अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज जो है मैं एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ। तो जो जो मेरे चैनल पर न्यू है, पहले तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो व्यूअर्स, आज जो है मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूँ कि आज जो है मैं कौन सा जो है मेकअप करने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, आज जो है मैं कमल आफ्ताब का जो है वलीमे का मेकअप जो है उसको करने की कोशिश करूँगी। तो आइए चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना है कि मेरा ये लुक कैसा लगा आप लोगों को, और आगे आप लोग किस तरह की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं, और मुझे बताइएगा कि मैंने कॉपी सही करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो आइए चले अपनी वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले जो है यहाँ जो है मिस्टिक जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स बेस जो है यहाँ टीवी पैंट स्टिक जो है मैंने अप्लाई कर लिया था। इसके बाद जो है मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, और फाउंडेशन जो है मैं मिस रोज़ की जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और इसका जो नंबर है वो यहाँ जो है मेंशन है, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं फाउंडेशन मिस रोज़ का जो है ये फाउंडेशन है ये अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और फुल कवरेज हमें चाहिए तो हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं फाउंडेशन को जो है अच्छे से जो है ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स बेस अप्लाई फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो अप्लाई कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो है तो व्यूअर्स ब्लश ऑन और हाइलाइटर जो है मैंने कर लिया था। कंटोरिंग जो है उनके फेस पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी। अब जो है मैं आईब्रो को जो है शेप दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, आईब्रो को करने के बाद जो है मैं स्कूली की मदद से जो है आईब्रो को जो है नीट कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है आईब्रो को जो है मैं अच्छे से जो है शेप दे लिया है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आई मेकअप जो है वो स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जो है हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है हम डार्क नहीं करेंगे। इसी तरह जो है व्यूअर्स दूसरी आईज पे जो है अच्छे से जो है कलर को जो है ब्लेंडिंग करेंगे। लाइट ब्राउन कलर लिया हमने। ठीक है, इस तरह हमने ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद जो है ये पिच कलर जो है, ठीक है,
ये जो है हमें अप्लाई करना है आईज लिड पे, ठीक है, ये और ये दो मिक्स कलर करके मैं अपनी आई लिड पे जो है अप्लाई करूँगी, ठीक है। और ये जो है ये हमें फिंगर से अप्लाई करना है, बस, ठीक है। इसी तरह जो है भी बस दूसरी आईज पे अप्लाई करना है, इसके बाद जो है व्यूअर्स हमने ये मैटेनिकल कलर जो है ये हमें लेना है अपनी फिंगर पे इस तरह, ठीक है, और अपनी आईज पे जो है हमें ये अप्लाई करना है। इसके बाद जो है व्यूअर्स वाइट कलर हमने लिया, ठीक है, और आईब्रो के नीचे नीचे हमने कलर लगाना, ठीक है, बहुत ही लाइट। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह हमें दूसरी आईज पे भी यहाँ जो है अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद जो है व्यूअर्स हमने यहाँ जो है वाइट कलर वो अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद जो है मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। ठीक है, आईलैश जो है वो भी मैं लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद जो है मैं मस्कारा जो है मस्कारा अप्लाई करूँगी। लोअर लैश पे जो है वहाँ भी जो है मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स, मस्कारे के बाद जो है मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, और लाइनर जो है मैं शेडो से अप्लाई करूँगी, क्योंकि उनका लाइनर जो है बहुत ब्लैंड था। ठीक है, तो बस मैंने जो है और हमें इसे जो है अच्छे से जो है ब्लेंड करना है। व्यूअर्स, इसी तरह जो है दूसरी आईज पे जो है लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर नहीं यानी शेडो जो है वो हमें अप्लाई करना है। और इसको जो है हमने अच्छे से जो है ब्लेंड करना है। ठीक है, बाहर की तरफ जो है हमें इसे निकालना है और इसे जो है हमें ब्लेंड करना है। ठीक है, इसी तरह इस आइस पे। और खूब अच्छे से जो है हमें इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद जो है मैं आईलैश अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो है व्यूअर्स, यहाँ मैं आईलैश जो है ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं आईलैश जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है आईलैश जो है अप्लाई हो गई थी, अब जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ।
बस इसके बाद जो है मैं आईज पे जो है वाइट पेंसिल जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। व्यूअर्स इसी तरह जो है दूसरी आईज पे जो है लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर नहीं यानी शेडो जो है वो हमें अप्लाई करना है। और इसको जो है हमने अच्छे से जो है ब्लेंड करना है, ठीक है। बाहर की तरफ जो है हमें इसे निकालना है और इसे जो है हमें ब्लेंड करना है, ठीक है। इसी तरह इस आइस पे और खूब अच्छे से जो है हमें इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद जो है मैं आईलेश अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो है व्यूअर्स यहाँ मैं आईलेश जो है ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं आईलेश जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है आईलेश जो है अप्लाई हो गई थी। अब जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। व्यूअर्स इसके बाद जो है मैं आईज पे जो है वाइट पेंसिल जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। व्यूअर्स इसी तरह जो है दूसरी आईज पे जो है लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर नहीं यानी शेडो जो है वो हमें अप्लाई करना है। और इसको जो है हमने अच्छे से जो है ब्लेंड करना है, ठीक है। बाहर की तरफ जो है हमें इसे निकालना है और इसे जो है हमें ब्लेंड करना है, ठीक है। इसी तरह इस आइस पे और खूब अच्छे से जो है हमें इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद जो है मैं आईलेश अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो है व्यूअर्स यहाँ मैं आईलेश जो है ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं आईलेश जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है आईलेश जो है अप्लाई हो गई थी। अब जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। व्यूअर्स इसके बाद जो है मैं आईज पे जो है वाइट पेंसिल जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स अब जो है मैं लोअर लैश पे जो है हल्का सा जो है ब्राउन कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ जो है ब्लश ऑन वगैरह जो है हो चुकी है। अब जो है मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है लिपस्टिक जो है वो अप्लाई हो गई है।
तो व्यूअर्स, ये जो था आज मेरा फाइनल लुक था। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लुक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रिगे, बाय बाय।